Assalamualaikum, welcome to our channel Khaapa. आज मैं आप लोगों को ज़बरदस्त सी मूंग की दाल और लौकी की रेसिपी दे रही हूँ. मूंग की दाल और लौकी जो एक साथ बनता है, ये सारे उसके इंग्रेडिएंट्स हैं. तो फटाफट मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या डलेगा और ये किस तरह बनाई जाती है. यहाँ पे तकरीबन एक पाव मूंग की दाल है, जिसे मैंने अच्छी तरह से धो के और भिगो के रखा था 15 मिनट पहले. एक पाव लौकी है, जिसे मैंने क्यूब्स में काट लिया है छील के. दो मीडियम साइज़ के टमाटर हैं और तीन चार हरी मिर्चें हैं, जिसे मैंने मोटा मोटा काटा है. टमाटर को मैंने बिल्कुल चॉप किया है बारीक बारीक. एक मीडियम साइज़ की प्याज है, ये बघार में जाएगी. यहाँ पे ये सारे स्पाइसेस हैं, जिसमें 1 टीस्पून कसूरी मेथी है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर है, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून नमक है. यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं ये बघार में जाएंगी. ये प्याज, 2 जवे लहसुन के ऐसे काट के रखे हैं, 1 टीस्पून ज़ीरा, 4 साबुत लाल मिर्च और चंद पत्ते कड़ी पत्ते. यहाँ पे पतीली गर्म हो रही है. इस पतीली के अंदर सबसे पहले 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल डालेंगे, बहुत थोड़ा ऑयल. और इस ऑयल में ही ये मूंग की दाल डाल देंगे. मूंग की दाल डालते साथ ही इसमें ये लौकी भी डाल देंगे. और लौकी के साथ ही ये टमाटर और हरी मिर्चें डाल देंगे. थोड़ा सा मिक्स करेंगे. अब इसमें ये सारे स्पाइसेस जो इसमें जाने थे डाल देंगे. इसको मिक्स करेंगे थोड़ा सा, बिल्कुल सब चीज़ें इसमें मिक्स हो जाएं. 2 टेबल स्पून ऑयल इसलिए कम डाला है कि ऊपर बघार भी डलेगा इसमें. तो इसको मिक्स करने के बाद अच्छी तरह से इसका चूल्हा खोला है. इसमें मैं 2-2.5 गिलास तक पानी डालूंगी, बहुत कम पानी डालूंगी, इतना कि लौकी और दाल उसमें गल जाए. इसमें बॉयल आने का वेट करूंगी, फिर इसको कवर करके जब तक पकाऊंगी जब तक लौकी और मूंग की दाल अच्छे से गल जाए. ये देखिए दाल और लौकी बॉयल होना शुरू हो गई है. अब मैं इसको ढक्कन लगाऊँगी और 20 मिनट तक ढक के पकाऊंगी जब तक दाल और लौकी गल जाए. देखिए दाल और लौकी बिल्कुल गल चुके हैं और ये अच्छी तरह से मैश होने पे आ गए हैं घुटने पे. अब इसको या तो अगर आपके पास वो घोटने वाला जो हो वो उससे, या फिर मैं तो लकड़ी के चम्मच से ही घोट लेती हूँ ऐसे मैश करके. इतना घोटेंगे इसको कि दाल घुट जाए, लौकी उसमें अच्छी वाली जो है ना गल के भले मिक्स हो जाए, टमाटर सारे मिक्स हो जाएँ, सब चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरह मैश हो जाएँ. इतना घोटेंगे इसको इस तरह चम्मच चला चला के. इसी स्टेज पे आप इसका नमक भी चख सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो और ऐड कर सकते हैं. देखिए दाल क्या ज़बरदस्त घुट चुकी है, लौकी भी घुट चुकी है, बिल्कुल गल चुकी है. अब इसके अंदर ये जो हरी मिर्चें और धनिया काट के रखा था मैंने शुरू में, ये ऐड कर देंगे और 5 मिनट के लिए इसको चूल्हे पर रखे रह देंगे. उसके बाद उतार लेंगे, ये रेडी है. और अब हम इसका बघार रेडी करेंगे जो इसके ऊपर से इसमें. अब बघार रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पे फ्राइंग पैन गरम किया है, बहुत ज़्यादा ही गर्म हो गया है धुआं उठकर. मैं इसमें घी से बघार लगाऊंगी, आप चाहें तो ऑयल या बटर जिससे भी लगाना चाहें लगा सकते हैं. ये जैसे ही गर्म हो जाएगा जो कटी हुई प्याज हमने ली थी शुरू में. प्याज ब्राउन हो रही है हल्की हल्की, बस इसी टाइम पे ही हमने जो लहसुन स्लाइस करके रखे थे शुरू में दिखाए थे वो डाल देंगे. लहसुन और प्याज को साथ गोल्डन ब्राउन करेंगे हम. ये देखिए लाइट लाइट गोल्डन सा ब्राउन हो गया. अब इसमें साबुत लाल मिर्च डाल देंगे. साबुत लाल मिर्च डालते ही थोड़ा सा चला के ये ज़ीरा और कड़ी पत्ता भी डाल देंगे. ज़बरदस्त सा गोल्डन गोल्डन सा बघार रेडी है. इसको दाल लौकी में डाल देंगे, इसको आई थिंक दालचा भी बोलते हैं. और ये ज़बरदस्त सा दाल लौकी तैयार है. मैं सर्व करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ.
ज़बरदस्त सी मूंग की दाल लौकी की रेसिपी, बहुत टेस्टी, बहुत इजी और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी और हेल्दी रेसिपी। अगर आप इसमें नमक और ऑयल और मिर्चें कम डालेंगे तो ये हेल्दी रेसिपी में शामिल होगी। ज़रूर बनाएं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको नई नई ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ मिल सकें। मिलती हूँ नई रेसिपी के लिए, तब तक अल्लाह हाफिज़।